वेलकम टू स्टडी विद द एमसी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद द एमसी में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी जीडी को लेकर। आप लोग जानते हैं कि ये आने वाले थे मार्च में, बट अभी तक इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं जारी किए गए हैं। अब आगे क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि आपने देखा कि एसएससी ने अभी यहाँ पे लिस्ट जारी की है एसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को लेकर, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो आए थे उसमें जो पेपर टू बचा हुआ था उसके एग्जाम डेट को लेकर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बट एसएससी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। एसएससी में अभी दो अटकलें हैं। सबसे पहले अटकल ये है कि जो जिनके अभी लास्ट उम्र बचे हुए थे एसएससी जीडी भर्ती होने के लिए, क्या उनको मौका मिलेगा दोबारा, क्या एज में कुछ आगे पीछे किए जाएंगे, क्योंकि दो साल से वैकेंसी नहीं आई है। बीच में कोरोना वायरस के चक्कर में सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डेट को बढ़ाए जाएंगे, यानी कि एज जो है इसे बढ़ाया जाएगा? तो इस पर अभी बोर्ड के अंदर फैसले चल रहे हैं और उम्मीद है कि फैसला हम लोगों के पक्ष में ही आएंगे और एज को 25 तक करने की संभावना है। 18 से 25 इतना तो हो ही सकता है, क्योंकि जिनके लास्ट उम्र थे उनको छूट एक मौका जरूर से जरूर दिया जाएगा, चाहे 25 वर्ष दे या ना दे नए के लिए। बट जिनका लास्ट ईयर था बचा हुआ, जिनका आखिरी एज था, उनके लिए एक मौके दिए जाएंगे। इस बार जो भी भर्ती आएगी उसमें उन्हें छूट मिलेंगे। अब जानते हैं हम लोग कि इसमें भर्ती आने की संभावनाएं क्या है। तो इसमें भर्ती आने की संभावनाएं अभी फिलहाल जानते हैं आप लोग कि अब रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम भी होंगे, 7th फेज एनटीपीसी के एग्जाम को भी जारी कर दिया है, और साथ ही साथ एसएससी जीडी भी साथ ही साथ नहीं दे सकते, क्योंकि एसएससी में अभी 2-3 एग्जाम जो बाकी है वो पूरा होने के बाद ही एसएससी की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे, जो कि ऐसे कुछ चीज मालूम चल रहे हैं अंदर से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अंदर से बात आ रही है, अंदर से बात आ रही, बिल्कुल जो मैं बताता हूँ वो हवाबाजी में नहीं करता हूँ। जो भी बात होती है सब कुछ बिल्कुल करेक्ट होते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कागज है, देख सकते हैं, मैं हमेशा जो भी आप लोग के सवाल का जवाब देता है, कोई वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले RTI करके सबसे जवाब ले लेता हूँ कि आखिर आगे क्या प्रोसेस है, तभी मैं आप लोगों के सामने कुछ ही बोलता हूँ। ऐसे हवाबाजी करने की कोई आदत नहीं है, और आप लोग कह रहे होंगे साफ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं RTI के पेपर है, यहाँ पे फोकस हो जाए, देख सकते हैं RTI के पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो भी मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन होते, तभी मैं आप लोगों के साथ बोलता हूँ। इतने हल्ला करने के बाद देखते पसीना निकल रहा है, जितने मेकअप वगैरह है वो सब तो ऐसे ही धुल जाएंगे। पता नहीं वीडियो क्वालिटी आप तक अच्छी पहुंच रही है नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और चाहते हैं तो इसी तरह का अपडेट सबसे पहले चैनल से जुड़े रहें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नए अपडेट आए एसएससी जीडी से रिलेटेड वो सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। बाकी मैं भी चलता हूँ फटाफट पंखा चलाने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है वीडियो शूट करने के बाद। चलिए वीडियो को करते हैं एडिट और डालते हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।